एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रहीम ने इन दो शब्दों में बहुत ही गूढ़ बात कही है। जीवन का सार समझाने की कोशिश की है और प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान देना चाहिए कि यदि आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही कार्य में पूरा मन लगा दीजिए। एक कार्य के अलावा आपके सामने कोई दूसरा ऑप्शन ही ना हो, क्योंकि यदि आप एक समय में दो या अधिक कार्यों को एक साथ करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही असफलता हाथ लगेगी। सफलता का कोई चांस नहीं है। आपका चाहे किसी भी क्षेत्र में लक्ष्य हो, किसी भी क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हों, आप केवल एक ही लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए। और यदि आप साधना के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ गुरु साधना ही सर्वश्रेष्ठ होगा। जीवन में साधना के दो रास्ते हैं, या तो आप दुर्गा, काली, हनुमान, भैरव इत्यादि की साधना अलग अलग करते रहें और जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचते रहें, और दूसरा तरीका यह है कि आप गुरु को ही सिद्ध कर लीजिए, गुरु की ही साधना संपन्न कर लीजिए और गुरु को अपने हृदय में स्थापित कर लीजिए। जिस दिन आप गुरु को अपने हृदय में स्थापित कर लेंगे, जिस दिन आप गुरु की साधना को पूर्ण तरह से संपन्न कर लेंगे, उस दिन आपको दुनिया की सारी साधनाएं स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगी, क्योंकि गुरु के अंदर दुनिया के सभी प्रकार की सिद्धि, साधना और शक्तियाँ मौजूद रहती हैं। और गुरु जब सिद्ध हो जाता है, जब गुरु आपके हृदय के अंदर प्रवेश कर जाता है, हृदय की गहराइयों में उतर जाता है, तब आपको जीवन में किसी भी प्रकार की साधना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु के अंदर सभी प्रकार की साधनाएं, सभी प्रकार की सिद्धियां, सभी प्रकार के देवी देवता गुरु के अंदर समाहित हैं। और गुरु से बड़ा कोई सिद्धि नहीं है, और गुरु को सिद्ध कर लेने से बड़ा दुनिया में कोई भी सफलता की सीढ़ी नहीं है।